हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। और मैं हूँ छवि, और आप सबके प्यार की वजह से और आज हमारी फैमिली जो है 70K की हो गई है, 70,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो आप सबके मतलब मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उसमें न्यू मतलब एक मोस्टली मुझे लगता है 10% तो वो माँ हैं जो जिनके अभी बच्चे या तो 6 महीने के हैं या फिर उनके बच्चे 2 साल 4 साल के अंदर में। बहुत सारी ऐसी माओं के मैसेज मुझे आते हैं, बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जिनके मैसेज आते हैं जिनके बच्चे 0 to 4 years के हैं, यानी कि 6 महीने से लेके 4 साल तक के बच्चे हैं। और उनके साथ सबसे बड़ी परेशानी है कि उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो अपने लिए टाइम निकाल पाए। उसकी वजह से उनकी फेस जो है उनका वो डल हो गया है, उनकी रंगत कहीं खो गई है, स्किन लूज हो गया है, शाइन खत्म हो गया है, और थोड़े बहुत पिंपल्स के भी जो है वो पिंपल्स भी आने शुरू हो गए हैं। तो कोई टेंशन नहीं है, मैं आप सबके लिए ये एक पैक बनाई हूँ जो कि आप आराम से एक बार आप जब भी आपका बच्चा सो रहा हो बस आप उस टाइम में इसको आप बना करके रख दे। ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट भी नहीं है, इजली मैं बोलूँगी जो आपके किचन में ही मोस्टली अवेलेबल जो सामान है उसी से ये बन जाएगा। और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट जो है वो जो है हमारे मोस्टली गार्डन में रहता है, मेरे गार्डन में नहीं है लेकिन मोस्टली सबके गार्डन में रहता है। अगर अगर गार्डन में नहीं है तो मार्केट में इजिली मिल जाता है, तो ज़्यादा खर्च नहीं है। मुझे लगता है 20 या स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि फिर मुझे मैसेज आएंगे मैम 20 रुपये तो नहीं लगे हैं बनाने में। हाँ भाई, 20 रुपये मैं ऐसे जोड़ के बताती हूँ कि एक बार आप पर मंथ के हिसाब से अगर आप जोड़ते हो ना तो 20 रुपये से भी कम लगता है, लेकिन ये बहुत इजी है बनाने में और आराम से आप स्टोर करके इसको 2 से 3 महीने तक रख सकते हो। मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि कांच की अगर कंटेनर अगर आपके पास है तो आप स्टोर करके इसको रखें, तो कोई परेशानी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप इसे फ्रिज में स्टोर करें, आप इसको रूम टेम्परेचर में भी स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ बच्चे की पहुंच से दूर रखें अगर कांच के कंटेनर में आप स्टोर करते हैं तो। तो चलिए इसको लगाते कैसे हैं और इसको बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वो रेड कलर का सब्सक्राइब का वो एक बटन आपको दिखेगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाजू में ही एक बेल आइकॉन होगा जिसे जो घंटा जैसा दिखेगा आप उसको भी क्लिक कर दीजिए, जिससे ये होगा कि जब कभी मैं अपना कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं कि इसको बनाते कैसे। तो जो मेरा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है मूंग की दाल। मूंग की दाल वो जो छिलके वाली जो दाल होती है वो आपको नहीं लेना है। ये जो जो दाल होता है ना, जो बिना छिलके वाली जो दाल होती है वो आपको लेना है। ये आपको 2 स्पून लेना है, मैं 2 चम्मच ले रही हूँ। मैं सब कुछ 2 चम्मच के हिसाब से ले रही हूँ, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हो। मूंग की दाल क्या करता है ना, हमारे स्किन में ग्लो तो लाता ही है, प्लस जो आपके फेस पे जो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स हो गए हैं ना, जो निकलते नहीं है जल्दी से, उसे भी वो ठीक करता है। जो मेरा सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है राइस फ्लावर, चावल का आटा, वो भी मैं 2 स्पून लूँगी। वो आपके स्किन के रंगत को निखारेगा और जो ओपन पोर्स की परेशानी वगैरह है उसको ठीक करेगा। और थर्ड जो मेरा इंग्रेडिएंट है वो है सौंफ। आप बिना भुना हुआ भी ले सकते हैं और भुना हुआ भी ले सकते हैं। तो वो भी मैं 2 स्पून ली हूँ, वो ग्राइंड की हूँ अच्छे से। मैं बोलती हूँ मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ सौंफ को अपने फेस पैक में, तो मेरे पास हमेशा ग्राइंड रहता है। ये भी हमारे स्किन की रंगत को निखारता है, हमारे जो चेहरे पे जो दाग धब्बे और जो पिंपल्स के दाग धब्बे हो गए हैं, ये जो अपना हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह है वो सबको भी ठीक करता है। ये है जो मेरा फोर्थ इंग्रेडिएंट है, वो है रोज़ फ्लावर पाउडर। मैं आपको एकदम से बोलती हूँ, अगर आपके गार्डन में अगर रोज़ फ्लावर है तो ताज़ा आप फ्लावर को लीजिए, उसको अच्छे से धो दीजिए। धोने के बाद आप उसको क्या कीजिए, सूखने को छोड़ दीजिए। जब वो सूख जाता है तो आप उसे धूप में ना सुखाएं, उसको आप किसी छांव में अच्छे फैन के नीचे सुखाएं, और जब वो सूख जाता है उसके बाद उसको ग्राइंड करके और आप वो ऐड करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा फिफ्थ जो इंग्रेडिएंट है वो है कपूर। तो आप सबको पता है कपूर जो है सो हाइपर पिगमेंटेशन के लिए तो महारत हासिल है, प्लस अगर आपको पिंपल्स होते हैं ना तो पिंपल्स को भी ये दूर करता है।
और आपको ये सिर्फ दो लेना है कपूर। अगर आप सब कुछ दो दो लेते हो तो दो से तीन कपूर लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। फिर आपको अच्छे से ग्राइंड करना है। एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, कपूर का एक और फ़ायदा है कि अभी मानसून का सीजन है तो आप जैसे कपूर डालने से ना फंगस वगैरह नहीं लगेगा। जैसे हो जाता है ना छोटा वगैरह, छोटा छोटा कीड़ा वगैरह लग जाता है, तो वो सब भी आपको नहीं लगेगा। एकदम अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। और बहुत बार मुझे मैसेज आते हैं कि मैम आप अपने ग्राइंडर का के बारे में बताइए कि आप कौन सा ग्राइंडर यूज़ करते हो। तो मेरे पास जो वंडर सेफ का है, मेरे पास ग्राइंडर उसी का है। आप कांच के बर्तन में स्टोर करके रख सके रख दीजिए, ये आराम से 2-3 महीने लास्ट। तो ये बन के रेडी हो चुका है। अब इसको लगाना कैसे है चलिए शुरू करते हैं। आप ऐसे स्टोर करके इसको डाल लो और आराम से 2-3 महीने तक आप स्टोर कर सकते हो। आपके सारी स्किन की जितनी भी परेशानी है ना, यहाँ तक कि झाइयाँ पिगमेंटेशन वगैरह सब भी जाएगा। अगर आपकी स्किन लूज हो गई है वो टाइट होगा। मोस्टली मैं बोलती हूँ ये झाइयों के ऊपर बहुत काम करने वाला है, यानी कि हाइपर पिगमेंटेशन जो है ना उसके ऊपर ये बहुत काम करने वाला है। क्योंकि इसमें जो है वो कपूर है, वो कपूर हमारे स्किन में पिंपल्स को और हाइपर पिगमेंटेशन को दोनों को रोकता है। और जो चा ये जो दाल है वो भी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा, जो ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स हो गए ना तो उसको बहुत हद तक ये खत्म करता है। तो ये ऑल इन वन फेस पैक है। अब इसको आपको घोलना कैसे है, बहुत इजी है। हमारे घर में वो चावल जो पकाते हैं, अब मुझसे बहुत मैसेज आता है पूछते हैं कि चावल का आप माड़ कैसे बनाए मैम। अभी इसलिए मैं आपको 1 मिनट फिर से ले लूंगी। ये माड़ इसलिए आपको, नॉर्मल जो चावल हम लोग बनाते हैं ना वो पानी जो निकालते हैं उसके पहले आप उस पानी को निकाल ले, वही माड़ हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको मिला ले। आप अगर आपके पास मार नहीं है, इसको 2 दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। आप इसको मार के साथ यूज कर सकते हैं, आप इसको दही के साथ यूज कर सकते हैं, आप इसको रॉ मिल्क के साथ यानी कच्चा दूध के साथ यूज कर सकते हैं, आप इसको पोटैटो, अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन है यानी कि आपको झाइयों की बीमारी है तो आप इसको मैं बोलूंगी आलू का रस यानी कि पोटैटो जूस जो है उसके साथ मिक्स करें। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए, एक पेस्ट बन जाना चाहिए। ये पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। अब इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। सूख चुका है और अभी वॉश करके आके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी स्किन मुझे बहुत ज्यादा सॉफ्ट लग, मतलब साफ लग रही है, सॉफ्ट लग रही है। और जो आपको ब्लैक हेड्स की परेशानी है ना, बहुत मुझे मैसेज आ रहे हैं मैम इतना ब्लैक हेड्स है कि मैं परेशान हो गई हूँ, मैं उब गई हूँ। बस जब आप वॉश करते हो ना तो हल्का ऐसे, हल्का जैसे स्क्रब करते हैं तो हल्का मसाज करते हुए करते ना, बस आपको हल्का मसाज करते हुए जैसे नोज एरिया पे, यहाँ पे ब्लैक हेड्स होते हैं, यहाँ रहते हैं, जहां पे भी आपको ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हो वहां पे हल्का मसाज करते हुए आप फिर वॉश कर ले, स्किन बहुत सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट। और मुझे मेरी स्किन बहुत टाइट लग रही है। तो ये ऐसा पैक है कि अगर आप डेली यूज करते हो, और ये आप होगा कि वीक वीक में कितने दिन यूज करना है, आप इसे डेली यूज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मेल फीमेल बच्चे जिसकी उम्र मीन्स, बहुत मुझे मैसेज आ रहे हैं ना बहुत सारे पेरेंट्स की, जो मेरी बच्ची 5 साल की है उसका रंग बहुत कम हो रहा है। कुछ नहीं, आप इसी पैक को अपनी बच्ची के साथ के ऊपर लगाएं, हल्का मसाज करते हुए, जो भी स्क्रब का काम करेगा ये बेस्ट स्क्रब का काम करेगा। तो हल्का मसाज करते हुए ना उसके बॉडी में 5 मिनट छोड़ दें, उसके बाद उसको वॉश कर लें। आपके बच्ची का, आपकी बच्ची का जो है ना, आपकी स्किन का वो जो, आपकी बच्ची का जो स्किन का रंग कम हो गया है ना धूप की वजह से, डस्ट की वजह से जो स्किन एकदम टैन हो गई है ना, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये पैक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, और आप आई थिंक कि आप सब भी यूज करोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और वॉश कर